श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। हर वर्ष 4 नवरात्रियां होती हैं, अश्वनी मास में, चैत्र मास में, माघ मास में और आषाढ़ मास में। लेकिन अधिकतर लोग दो ही नवरात्रियों की जानकारी रखते हैं, चैत्र और अश्वनी मास की, क्योंकि आषाढ़ और माघ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रियां कहलाती हैं। और इस नवरात्रियों में साधना, तांत्रिक क्रियाएं और किसी अविष्ट प्राप्ति के लिए ये नवरात्रियां की जाती हैं। गुप्त नवरात्रियों में किए जाने वाला पूजन, अनुष्ठान, व्रत बहुत फलदायी होता है। चारों नवरात्रियां शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर नवमी तिथि तक रहती हैं। शिव संहिता में तो ऐसा उल्लेख है कि शिव शक्ति को मनाने का सर्वश्रेष्ठ समय नवरात्रि ही होता है। हमारी सृष्टि 3 पुंज धारिणी होती है, तमस्तिक गुण, सत्व गुण और रजोगुण। और माँ दुर्गा भी त्रिरूपा यानी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती होती है। कहते हैं महिषासुर नामक असुर का वध करने के लिए माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर के साथ संग्राम किया और फिर महिषासुर का मर्दन करके महिषासुर मर्दनी कहलाई। तभी से यह दिनों में नवरात्रों के रूप में माँ दुर्गा का पूजन किया जाने लगा। हिंदू शास्त्रों में नवरात्रि मनाने की शुरुआत की एक और कथा कही जाती है, 14 वर्ष वनवास की समय माँ सीता का हरण रावण के द्वारा हुआ। तब श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए 9 दिन तक माँ दुर्गा की आराधना की, पूजन की और अंत में रावण पर विजय प्राप्त करके रावण का वध किया, तब से नवरात्रि मनाई जाने लगी। इसलिए हमारे जीवन में भी नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। 2021 में आषाढ़ मास की नवरात्रि 11 जुलाई रविवार से आरंभ हो रही है। इस बार आषाढ़ की नवरात्रि में एक विशेष योग रवि पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है। इस कारण इस बार नवरात्रि का साधना, पूजन, मंत्र जाप हजारों गुना फलदायी होगा। इस बार घट स्थापना का मुहूर्त रविवार सुबह सूर्योदय के साथ ही आरंभ होकर 9 बजे तक रहेगा, या फिर आप 11:35 पर से, मतलब जब से लग जाएगा वो 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। साथ ही आपको दुर्गा सप्तती का पाठ करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में आपको माँ दुर्गा के साथ साथ शिव का अभिषेक भी करना चाहिए। शिव शक्ति का साथ साथ स्मरण करने से इनकी कृपा बहुत ही जल्दी आप पर होने लगेगी। यदि आप कलश स्थापना किसी कारणवश नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप एक माला प्रतिदिन 9 दिन तक नवरात्रि में सुबह शाम, मंत्र यह रहेगा, एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। फिर से आप सुन लीजिए, एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। यह मंत्र बोलकर माला करें, उत्तम फलदायी होगा। गुप्त नवरात्रि में बहुत तरह के उपाय किए जाते हैं। जिन बच्चे बच्चियों का विवाह होने में विलंब हो रहा है या बाधा आ रही है, वह माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ भोलेनाथ का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें, जल्दी ही विवाह के योग बनेंगे। शीघ्र विवाह के लिए ही आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। नवरात्रि की पंचमी तिथि पर एक पान के पत्ते पर
दो स्वास्तिक बनाए, एक हल्दी का और दूसरा सिंदूर का। जो आपने हल्दी का स्वास्तिक बनाया है उस पर कंकु मिश्रित चावल रख दें, और जो सिंदूर का स्वास्तिक आपने पान के पत्ते पे बनाया था उस पर आप हल्दी मिश्रित चावल रख दें। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनकी हथेली पर रखकर नाम एवं गोत्र बोलकर वह पान का पत्ता नीम के पेड़ के नीचे रख दें, जल्दी ही विवाह के योग बनने लगेंगे। यह उपाय आप कोई सी भी नवरात्रि पर कर सकते हैं। आप भी इस आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों में भगवान भोलेनाथ का के साथ साथ माँ दुर्गा का पूजन करें, मंत्र करें, दुर्गा सप्तती का पाठ करें, सुगंधित धूप दीप से आरती करें। देखना आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर आपके घर का वातावरण सकारात्मक होने लगेगा। आपके घर यदि लक्ष्मी की कमी है, धन का अभाव है, तो नवरात्रि पूजन में कमल का पुष्प चढ़ाकर इस मंत्र की 5 माला आपको अवश्य करनी। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम क्लीम ऐ कमल वासिन्यः स्वाहा। मंत्र फिर से आप एक बार सुन लें, ओम ह्रीम क्लीम ऐ कमल वासिन्यः स्वाहा। यह मंत्र का जाप करने से आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। गुप्त नवरात्रि में सुबह सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर ओम सूर्याय नमः ओम भास्कराय नमः यह मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ दुर्गा को लाल पुष्प अति प्रिय होते हैं, आप पूजन में लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएं। 9 दिन तक भोजन सात्विक ही करें, साथ ही कोशिश करें कि आप यह 9 दिन जीवन में हर प्रकार की मर्यादा एवं संयम का ध्यान रखें। यदि संभव हो तो आप 9वीं या 8वीं तिथि को 8 या 9 कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। यदि भोजन कराना संभव ना भी हो तो आप मीठे से कन्याओं का मुंह मीठा करा सकती हैं, और साथ ही उन्हें दक्षिणा देकर पूजन करके विदा करें। यह सब करने से माँ दुर्गा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय।